नियो का कॉल क्यों नहीं उठाते बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठाते नहीं हैं। देखो आप लोगों को जो सीन लग रहा है कि मेरा कुछ बिगड़ गया है, मैं बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में कुछ नहीं है उनके लिए कि मैं उनका बुरा सोचूं या उनसे कट ऑफ हो जाऊं या उनसे अब कुछ कनेक्शन नहीं रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नियो से बात क्यों नहीं करते? देखो गाइस मैं सीन बताता हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं कि मैं नियो से बात नहीं करता या लाला से बात नहीं करता। नियो से भी मेरी बात हुई थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नियो के कॉल या कुछ मैसेज इग्नोर करता हूँ उससे। बस एक दिन नियो का कॉल आया था जब भी मैं शूट में था और उसको मैंने कॉल बैक कर दिया था क्योंकि मेरा फ़ोन साइड में पड़ा था तो मैं देख नहीं पाया और हमारी लास्ट बात उसी दिन हुई थी। ऐसा नहीं कि मैंने सीन पे छोड़ दिया था या नियो का कॉल उठाया नहीं, मैंने वापस उसको कॉल बैक कर दिया था और वो कहीं पर बाहर जा रहे थे उस दिन तो वो बुला रहा था, तो मैंने बोला अभी आ नहीं पाऊँगा क्योंकि बूट कैंप पे काम है, शूट वगैरह, बस इतना बात हुई थी। उसने बोला था ठीक है और मैंने वो सीन भी उसको समझाया था कि कैसे बताऊँ तुमको, रुको तुम लोग कैसे समझोगे, एग्जांपल देता हूँ कुछ। ठीक है अभी ऐसा सोचो, देखो अभी जैसे मैं हूँ या कोई भी अपने गॉडल में से बंदा है, अगर वो मतलब प्रॉपर एग्जांपल नहीं है बट ठीक है ले लो, अगर वो सोल के बंदों के साथ दिखेगा आपको या किसी भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ दिखेगा तो जो गॉडल के बंदे हैं जो अपने फैंस हैं उनको क्या लगेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो किस वे में उस बंदे को देखेंगे, समझ रहे हो तुम, कि यार ये तो इधर भी जा रहे हैं, यार ये तो इधर भी जा रहे हैं, तो गॉडल वाले बंदों को ट्रस्ट नहीं होगा ना, समझ रहे हो? वैसा सीन रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं बात नहीं करता, मैं बात बात कर लेता हूँ, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं बिगड़ा हो भाई, ना मेरे को कुछ बिगाड़ना है। लॉजिक लेफ्ट द चैट बिरयानी भाई, अगर आपको लॉजिकली समझाने जाऊंगा तो आपको पूरी स्टोरी समझानी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं स्ट्रीम पे कुछ बताऊं, ना पर्सनल बातें बतानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैं आपको कोई आधी बात बता रहा हूँ तो आप उसी आधी बात को पकड़ के लॉजिक लगाओगे ना कि ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको पूरा पॉइंट थोड़ी समझेगा, समझ रहे हो? आपको पॉइंट समझने के लिए पूरी बात तो पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, आप आधी बात में लॉजिक ढूंढ रहे हो तो फिर तो क्या ही बोले। नियो से अभी लास्ट बार बात हुई थी तब उसने बोला भी तो घर पे था, उसने बोला कि बूट कैंप आऊंगा तब मिलते हैं, इतनी बात हुई थी और उसने कॉल करके मेरे को गाली भी दी थी कि तू बात क्यों नहीं करता, तो मैंने उसको ये बोला था, उसको भी बोला था कि यार ऐसा सीन चल रहा है तो अभी थोड़ा समझ जा तू, तो बोला चल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। नियो हर बात स्ट्रीम पे क्यों बोलता है? भाई मैं क्या बोलूँ, अभी उसको किसी चीज़ का बुरा लगता रहेगा वो आप लोगों को एज ए फ्रेंड या फैमिली समझ के बोल देता रहेगा, अभी मैं वैसा नहीं हूँ, हर बंदा अलग होता है, ठीक है, मैं हर बात आगे स्ट्रीम पे नहीं बोलता, मैं तुम लोग के सामने खेलता हूँ, तुम लोग की लाइफ के बारे में पूछता हूँ, मेरा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी मैं वैसा नहीं हूँ कि सबको सब कुछ जाके बोलता है, उसको लगता है शेयर करना चाहिए वो कर देता है, सिंपल सी बात, और वो अब भी ऐसा नहीं हो, पहले से ही वैसा है, तो इसमें कोई मेरे को बुरा नहीं लगता। कॉल क्यों नहीं करता? देखो भाई मैं अभी तुमको मेरा कॉल की हिस्ट्री दिखा दूंगा बट मेरे को दिखाना नहीं है ये सब, मैं क्यों प्रूफ करूं कि मैं खुद सही हूँ, समझ रहे हो? मेरे को पता है मैं सही हूँ, ठीक है, मैंने उससे बात कर ली थी, उसको सारा सीन बता दिया था, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कट ऑफ हो गया या कुछ सीन हो गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, अभी भी नियो मेरे लिए नियो ही है, वो का वही, लाला मेरे लिए लाला ही है, शैडो मेरे लिए शैडो ही है, ठीक है। नियो से तुम खुद पूछ लेना कि जब हम सब साथ में थे तब मेरे को कितनी गालियाँ पड़ती थी कि तू कॉल नहीं उठा था,